हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि अब गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो होती है एयर कंडीशनर की। तो आज की इस वीडियो हमारी एसी के ऊपर ही होने वाली है, जो कि विंडो एसी हमारे होने वाले हैं दोस्तों। कि अगर कोई आप विंडो एसी परचेज करने जा रहे हैं, तो एसी को परचेज करने से पहले आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। साथ ही मैं बताऊंगा कि अगर कोई आप विंडो एसी परचेज करें तो उसका साइज क्या होता है। विंडो एसी उन सभी के लिए बेटर होता है जो रेंट पर रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें ना बार बार जैसे हमें रूम चेंज करना होता है, तो उनके लिए सभी बेटर होता है, क्योंकि इजी इंस्टॉलेशन हो जाती है, इजी अनइंस्टॉल हो जाता है विंडो एसी। साथ ही दोस्तों, विंडो एसी का एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें इंस्टेंट आपको कूलिंग मिल जाती है, और इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है दोस्तों। जैसे कि प्रॉब्लम स्प्लिट एसी के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उस तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। बात होती है सिर्फ इसमें माइनस पॉइंट की, तो इसमें बस नॉइस लेवल होता है, वो भी थोड़ा बहुत होता है दोस्तों। क्योंकि आप डीवी के अंदर आप देखेंगे तो जैसे हमारे एक हेयर ड्रायर होता है, उससे भी बहुत कम दोस्तों साउंड होता है विंडो एसी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडो एसी के बारे में। तो विंडो एसी का जो साइज होता है, 1.5 टन के विंडो एसी दोस्तों मेरे सामने जो लगे हुए हैं, इनका जो साइज होता है वो 17 इंच की होती है दोस्तों इनकी हाइट, और 26 इंच की होती है दोस्तों इनकी चौड़ाई। सेम इनकी डेप्थ होती है 26 से 28 इंच तक। यानी कि दोस्तों 1.5 टन का कोई एसी परचेज कर रहे हैं तो उनका साइज आपको यही मिलेगा दोस्तों। जो भी आपकी खिड़की है वहां आपको एक साइज बनवाना होता है, ठीक है। तो वहां पे आप ये एसी इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कितने टन का एसी किस रूम के अंदर बढ़िया रहता है दोस्तों। तो ये आ जाएंगे रूम साइजेस, इसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक बेस्ट एसी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके रूम में सन फेसिंग है और टॉप फ्लोर है, तो इस कैपेसिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा के लें, यानी जहां 1 टन का लगना है वहां आप 1.5 टन का लगाएं, ताकि आपको कूलिंग बहुत ही बढ़िया मिल जाए। और कोशिश करें कि विंडो एसी को जो इंस्टॉल कराते हैं हम, उसे 5 से 6 फीट आप ऊपर ही करें, यानी कि फर्श से जो हाइट रखें 5 से 6 फीट आप ऊपर रखें, जिससे कि कूलिंग आपको समांतर कूलिंग मिल जाए अपने रूम के अंदर दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 1.5 टन के बारे में बताऊंगा कि 1.5 टन का एसी कितने रूम के अंदर लगाना चाहिए दोस्तों। तो 1.5 टन का जो एसी होता है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। रूम जो इसका कंपनी सजेस्ट करती है, वो 150 स्क्वायर फीट से लेकर के 170 स्क्वायर फीट तक के रूम में काफी बढ़िया आपको कूलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम उससे बड़े रूम के अंदर लगाते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब जून जुलाई अगस्त का टाइम आता है, तो उस टाइम जो आपका एसी होता है वो वर्किंग नहीं कर दे पाता है, यानी कि कूलिंग अच्छे से नहीं कर पाता है। तो हम वही करते हैं कि हमने हॉल में 1.5 टन का एसी लगा लिया, वो वर्किंग नहीं करेगा। अगर आप रूम के साइज के अकॉर्डिंग आप एसी लगाएंगे, तो आपको कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखें। बात आती है स्टार रेटिंग कौन सा लेना चाहिए, तो हमारे यूज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और साइज सभी का आपको 1.5 टन का ऑलमोस्ट सेम मिलता है, 17 इंच का हाइट और 26 इंच की चौड़ाई। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें जब भी आपको एसी परचेज करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने एसी के बारे में। और आगे बात आती है कि दोस्तों कौन सा एसी लिया जाए, क्योंकि विंडो एसी हो या चाहे स्प्लिट एसी हो, आपको ब्रांड काफी सारे मार्केट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कौन सा एसी बेस्ट होता है, किसकी कूलिंग आपको अच्छी मिल जाती है, और क्या एसी के अंदर हमें देखना चाहिए, और 3 स्टार लेना चाहिए क्या, 5 स्टार लेना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कैरियर ब्रांड की। तो दोस्तों, ये आ जाता है 1.5 टन का 3 स्टार का विंडो एयर कंडीशनर। ये जो स्टार लेबल होगा, इसके ऊपर ना सारी चीजें मेंशनड होती हैं कि कौन सी ईयर का ये मॉडल रहेगा, इसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या है दोस्तों, कितने स्टार रेटिंग में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो 1.5 टन का हो चाहे 2 टन हो, किसी भी कंपनी का कोई सा भी दोस्तों एसी हो, तो स्टार रेटिंग के लेवल पर ना आपको सब कुछ मेंशन होता है कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा दोस्तों, कितनी ये कूलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। तो 1.5 टन किसी भी कंपनी का आप एसी देखते हैं, तो मिनिमम उसकी जो कूलिंग होनी चाहिए 1.5 टन की दोस्तों, वो होनी चाहिए 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आजकल मार्केट में यही गेम चल रहा है दोस्तों, कि कंपनियां ना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उसकी कूलिंग कैपेसिटी कम कर देती हैं, और कूलिंग कॉइल की थिकनेस बहुत कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको लीकेजिंग की समस्या आपको देखने की मिलती है। जिसकी दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसकी कूलिंग कॉइल भी काफी हैवी मिलेंगी। तो जैसे वही हम बात करने वाले हैं कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी, जैसे मेरे पास अभी 4 एसी डिस्प्ले में लगे हुए, एक लॉयड, एक लगे हुआ हिटैची, और एक लगे हुआ दोस्तों गोदरेज, और एक कैरियर कंपनी का। इन चारों के अंदर आप देखते हैं तो कैरियर की कूलिंग कैपेसिटी काफी बेटर मिल जाती है दोस्तों। ये जो मॉडल आता है 18K एक्सट्रेलर DX मॉडल आ जाएगा, इसकी कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी दोस्तों आपको 5000 वॉट की, जो कि 70 स्क्वायर फीट तक दोस्तों सफिशियंट रहेगा। यानी कि जो हमारा रूम का साइज होगा वो 150 टू 170 स्क्वायर फीट के अंदर ये जो एसी है वो सफिशियंट रहता है। अगर दोस्तों ये रूम का आपका साइज है, तो उसके लिए काफी सफिशियंट रहेगा। अब बात करते हैं वहीं हम अदर ब्रांड की। तो हिटैची में आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, आपको लॉयड के अंदर भी 48 वॉट के अंदर कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, गोदरेज में इन दोनों से बेटर मिल जाएगी आपको 4950 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। चारों मॉडल 2024 के लेटेस्ट मॉडल रहेंगे दोस्तों। इन सभी में हम बात करते हैं दोस्तों मोड्स की, तो इनमें सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे ड्राई मोड है, टर्बो मोड है, वो सभी के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ से स्विंग वगैरह आप कर सकते हैं, स्लीप मोड आप लगा सकते हैं, टाइमर आप लगा सकते हैं, टेम्परेचर
आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। टर्बो मोड है, फैन की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मोड इसके अंदर मिल जाते हैं तीन, फैन मोड, कूल मोड और ड्राई मोड दोस्तों। तो ये आपको मोड्स मिल जाते हैं, डिस्प्ले सामने मिल जाते हैं, जहां आपको टाइम इसके अंदर आपको शो हो जाता है दोस्तों, टेम्परेचर भी। सेम सभी ब्रांड के अंदर आपको ये मिल जाता है, रिमोट आएगा, रिमोट के थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसे इजी इंस्टॉलेशन होता है, आप इंस्टॉल खुद भी कर सकते हैं इसको, अदरवाइज कंपनी से भी आप करा सकते हैं डायरेक्टली। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इसके अंदर काफी रीजनेबल होता है, 500 रुपीज इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं किसी भी ब्रांड का आप विंडो एसी परचेज करते हैं। तो बात आती है कि बेस्ट एयर कंडीशनर है कौन सा विंडो एसी में। तो दोस्तों एसी जब भी आप कोई परचेज कर रहे हैं तो लेबल पीरियड पर मेंशन होता है कि वो कूलिंग कैपेसिटी कितनी करेगा, उसकी पावर कंजप्शन कितनी है, वो सारी की सारी उस पर मेंशन होती है। तो जब भी कोई आप एसी परचेज करें तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी मिनिमम 5000 वॉट की होनी चाहिए दोस्तों। और अगर आपका यूजेज ज्यादा हो, जैसे डेली अगर 12-15 घंटे आपका यूजेज है, तो आप 5-स्टार एसी लें, तो 3-स्टार में ना जाए। अगर आपका यूज 7-8 घंटे या कभी कभी आपका 10 घंटे चलता है, तो आप 3-स्टार भी आप ले सकते हैं। तो दोनों की पावर कंजप्शन में यानी कि यूनिट में जो फर्क आता है, ऑलमोस्ट 200 यूनिट का दोस्तों फर्क आता है पूरे सीजन के अंदर। तो ज्यादा फर्क नहीं आता है 3-स्टार और 5-स्टार में, और 5-स्टार का इतना प्राइस ज्यादा भी होता है, यानी कि 3-स्टार आज मान के चलो 29,000 का है, तो इसी का 5-स्टार सेम ब्रांड का 5-स्टार आपको कॉस्ट करेगा दोस्तों 34-35,000 से ऊपर ही ऊपर। तो कम से कम 5-6 हजार रुपए का फर्क आ जाता है, उतने ही हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करके दे पाता है 5-स्टार, यानी कि अगर आप इन फ्यूचर देखेंगे 3-4 साल के अंदर, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको सेव करके दे पाता है 5-स्टार वाला। तो 3-स्टार और 5-स्टार में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप 3-स्टार का अगर आपका नॉर्मल है, तो 3-स्टार के अंदर आप बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है इनमें वारंटी की, तो इनमें आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है, 5 ईयर की मिलती है दोस्तों कंप्रेसर की वारंटी इसमें। इंस्टॉलेशन 500 रुपीज की हो जाती है। तो बात करते हैं इन एसीज के प्राइस की, तो ये जो कैरियर का 1.5 टन 3-स्टार रेटिंग का दोस्तों विंडो एसी मिल जाएगा आपको आफ्टर डिस्काउंट 28,500 का आपको मिल जाएगा दोस्तों। अभी सीजन स्टार्ट की सेल है, ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है जैसे सीजन जैसे दोस्तों आगे बढ़ता रहेगा। ये आ जाएगा गोदरेज कंपनी का, ये कॉस्ट करेगा दोस्तों आपको 27,000 का। ये आ जाएगा हिटैची कंपनी का 29,000 का दोस्तों। ये लॉयड कंपनी का आ जाएगा 28,000 का, और वोल्टास का आपको मिल जाएगा 28,000 का दोस्तों। डेकन अगर आप लेते हैं 1.5 टन 3-स्टार रेटिंग में विंडो एसी दोस्तों 28,500 का आ जाएगा। अगर आप ब्लू स्टार का लेना चाहते हैं तो ब्लू स्टार का भी अपने पास अवेलेबल, वो भी आपको 28,500 का मिल जाएगा। ये सारे के सारे एसी मेरे पास में अभी अवेलेबल है, सीजन स्टार्ट की सेल है तो आपको ये प्राइस मिल जाएगा। और अगर क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको इजी ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा, और अप टू 5% तक का इसमें आपको कैशबैक भी दोस्तों मिलने वाला है। तो ये था इन एसीज के बारे में। और दोस्तों हमारी जो शॉप आ जाएगी ईस्ट दिल्ली मयूरा फेस 3 में हमारी शॉप आ जाएगी, प्रोडक्ट सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आप हमारे शॉप के नियर बाय रहते हैं तो इसमें हम डिलीवरी भी आपको फ्री करा के देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।